प्रयागराज में चर्चित जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में एडीजे बद्री विशाल पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व बीएसपी सांसद कपिल मुनि करवरिया, उसके भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन पर 7,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 31 अक्टूबर को इन सभी पर को दोषी करार दिया गया था। सजा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच चारों दोषियों को नैनी सेंट्रल जेल जो है भेज दिया गया है। 13 अगस्त 1996 में प्रयागराज में सिविल लाइंस इलाके में तत्कालीन सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हमले में पूर्व विधायक के अलावा उनके ड्राइवर गुलाब यादव और राहगीर कमल कुमार दीक्षित की भी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पंडित के सगे भाई सुलाकी यादव ने केस दर्ज करवाया था। हम ये कहेंगे कि हमें जो फैसला आज आया है 23 साल बाद न्यायालय से, हमें पूरा उम्मीद पूरा भरोसा था कि हमें जब भी न्याय मिलेगा, इस अदालत से हमको भरोसा था, आवाज भी है और कल भी रहेगा। हमें जब भी उम्मीद थी कि 23 साल बाद मुझे न्याय मिला। अब चारों अभियुक्तगणों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1,00,000 रुपए का 302 में जुर्माना किया है और ना देने पर 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। पूरा 307 में जी 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना न जमा करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। इसी प्रकार 147, 148 जितनी धाराएं थी उसमें सब में सजाएं, सब में साबित पाया है और सब में कन्विक्शन किया है।